नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निदेशक न्यूज में। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सोनभद्र से। जी हाँ साथियों, सोनभद्र में ज्ञापन दिया गया उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के लिए अनुदेशकों द्वारा, जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि सरकार अनुदेशकों के बारे में सोच रही है। साथ ही अनुदेशक संघ के द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र को भी ज्ञापन दिया गया अपनी मांगों को लेकर। लगातार ज्ञापन का सिलसिला जारी है अनुदेशकों द्वारा और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज ज्ञापन के द्वारा पहुंचा रहे हैं। प्रस्तुत है खबर विस्तार, मैं हूं आपके साथ डीके देव। अनुदेशकों द्वारा उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के लिए आज अनुदेशक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें अपनी मांगों को रखा गया है। आज दिनांक 7/2/2023 को परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के रविंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सोनभद्र के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया। रविंद्र जी को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि सरकार अनुदेशकों के बारे में विचार कर रही है। साथ ही जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह जी को भी ज्ञापन दिया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उदयनाथ मौर्य को भी ज्ञापन दिया गया। इसी के साथ ही AVS से अरविंद कुमार यादव को भी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देते समय मौके पर कर्मा ब्लॉक के अध्यक्ष दीपक सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष सोनू पांडे, ब्लॉक कोषाध्यक्ष सूर्यनाथ आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अनुदेशकों ने ऐतिहासिक कार्य किया है और लगातार संघर्ष जारी है अनुदेशकों का। पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर। सरकार के मंत्रियों द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार अनुदेशकों के बारे में विचार कर रही है, लगातार विचार किया जा रहा है अनुदेशकों के बारे में। अब देखते हैं कि अनुदेशकों को क्या फल मिलेगा उनकी सच्ची मेहनत का। अब देखते हैं 21 फरवरी को संभावना है प्रदेश का बजट जारी करेंगे माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। 2023-24 का बजट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार करीब 7,00,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और ढांचागत विकास पर फोकस, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत होने वाले निवेश प्रस्ताव को लागू करने के लिए बजट प्रावधान है। अब देखते हैं सरकार अनुदेशकों को इस बजट में क्या हिस्सा देती है उनके हक का, ये वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के समाचारों में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।